Hello everyone, in this video we will do previous year questions of data handling using pandas 1. So let us start with the first question. In python pandas, while performing mathematical operation on series, python pandas mein jab aap series ke upar mathematical operations perform karte ho, index matching is implemented. Sabse pehle series ke beech mein jinke upar aap mathematical operations perform kar rahe ho, unke beech mein kya kiya jata hai? Index matching kiya jata hai, okay? And all missing values are filled in with dash by default. अगर series, let us suppose आपके पास दो series है S1 and S2. Let us suppose आपके पास दो series है S1 and S2. Okay, इनके बीच में आपको mathematical operation perform करवाना है, plus minus जो भी है, right? अगर इनके index values match नहीं करती है तो क्या होता है, जब आप mathematical operation perform करते हो तो जो resultant value आती है वो क्या आती है? NaN. NaN is not a number value, okay? And it is considered as null value in pandas, or you can say missing values in pandas. Fine, okay. Next, which of the following command will show the last three rows from a pandas series named np? So yahan pe aapko command batani hai jo series ki last three rows ko show karegi. Fine, aur series ka naam kya hai? Np hai, right? To yahan pe aap kaun sa function use karte ho सीरीज़ की रोज़ को शो करने के लिए? लास्ट रोज़ को शो करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज़ करते हो. वाई? बिकॉज टेल फंक्शन रिटर्न्स लास्ट एन रोज़ फ्रॉम अ सीरीज और फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, राइट? तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, np.tail, राइट? बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है TAIL, ये स्मॉल लेटर में है, और ओके. एंड यहाँ पे आपने पैरामीटर स्पेसिफाई किया है 3, तो ये क्या करेगा? ये सीरीज की लास्ट 3 रोज को एक्सेस करेगा, राइट? नाउ CSV स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यू, राइट? CSV फाइल्स जो होती है उसमें क्या होता है, डेटा, जो जितना भी डेटा होता है वो कोमा की हेल्प से एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, राइट? Now we have to display last 5 rows of a series object as, you may write. अब आपको क्या करना है, सीरीज की लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे टेल फंक्शन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, s.tail फंक्शन. और टेल फंक्शन में जब आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सीरीज या डेटा फ्रेम की लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराता है, राइट? Now which of the following statement will import the pandas library? Pandas library को import करने के लिए आप कौन सा statement use करोगे? तो यहाँ पे first में, तो यहाँ पे I capital, this is wrong. और import pandas as py, import pandas as pd. तो यहाँ पे हमारा third जो option है वो correct है, import pandas as pd. वैसे pd के place पे आप कोई दूसरा alias name भी ले सकते हो. और जो हमारा fourth है, import panda, panda is not a correct statement. ठीक है, एस नहीं लगाया हुआ. फाइन, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा वाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम? जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, राइट, तो आप किस किस से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो? फ्रॉम सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड एरे. फाइन, तो यहाँ पे जो आपका आंसर 4 वो करेक्ट है, क्योंकि आप डेटा फ्रेम को सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी क्रिएट कर सकते हो, एंड स्ट्रक्चर्ड एनडी एरे से भी आप क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम को. फाइन, तो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द नेम पांडास इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म. पांडास किस टर्म से ड्राइव किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैनल डेटा. फाइन, पैनल डेटा क्या होता है? द डेटा सेट दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन. पैनल डेटा किस टाइप का डेटा होता है? जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन का डेटा क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए. फाइन, तो यहाँ पे जो पांडास टर्म ड्राइव हुआ है वो पैनल डेटा टर्म से ड्राइव हुआ है, राइट? नेक्स्ट, द कमांड टू इंस्टॉल द पांडास इज, आपको अगर पांडास लाइब्रेरी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे? आप करोगे pip install pandas. तो आपका यहाँ पे है ऑप्शन डी करेक्ट, pip install pandas. ओके, नाउ पांडास सीरीज इज, पांडास सीरीज क्या होता है, आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पांडास सीरीज आपका होता है वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट?
वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर डैश स्टोर्स होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब जो सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट्स एंड इट इज़ म्यूटेबल, और ये क्या होता है, मॉडिफाई, आप सीरीज को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। पांडा सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करता है, और एंड यू कैन मॉडिफाई सीरीज, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव पांडास इज अ, पांडास क्या है आपका, पांडास एक कंप्लीट लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पैकेजेस फंक्शंस हैं, फाइन। तो पांडास इज अ लाइब्रेरी, देन वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडास विद, अगर आपको डेटा एनालाइज करना है पांडास में तो आप किसकी हेल्प से करोगे, आप सीरीज की हेल्प से भी करोगे एंड डेटा फ्रेम की हेल्प से भी करोगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आंसर सी, बोथ ऑफ द अबव, फाइन, ओके। नाउ क्वेश्चन 12, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फंक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट्स इन पाइथन, पाइथन में चार्ट्स कस्टमाइजेशन में कौन सा फंक्शन यूज नहीं किया जाता। देखो एक्स लेबल क्या होता है, एक्स एक्सिस का लेबल देने के लिए यूज किया जाता है, टाइटल से आप चार्ट का टाइटल देते हो, एक्स टिक से आप एक्स एक्सिस पे टिक्स क्रिएट करते हो, ओके, टिक्स बनाते हो, ठीक है, और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कलर, फाइन, वो कलर जो कलर फंक्शन दिया गया ये रॉन्ग है, क्योंकि कलर स्पेसिफाई नहीं किया जाता, कलर कोड स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे आपको रेड कलर देना है तो आप आर दे दोगे, आपको ग्रीन कलर देना है तो आप जी दे दोगे एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर। तो ये जो है कलर ऑप्शन बी, वो क्या है, वो चार्ट्स में यूज़ नहीं होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब, प्लॉट फंक्शन से क्या करते हो, हाँ करते हो आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो, लाइन प्लॉट करते हो क्रिएट, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आप कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, प्लॉट फंक्शन में जो आप पास कर सको, ठीक है, इन मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है वन, फाइन। मान लो आपने क्या किया है, एक्स एक्सिस के लिए आपने स्पेसिफाई नहीं किया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस का डेटा आपने नहीं दिया है, ओके, तो क्या होगा, ये जो बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा, ठीक है, जितनी भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे आप एक एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये डेटा ले लेगा, राइट, ओके, समझ आ रहा है। मान लो आपने वाई एक्सिस के लिए 1 to 5 लिया हुआ है डेटा, वैल्यूज है 1 to 5, तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स क्रिएट कर देगा 1 to 5 की रेंज के अंदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 14, मेथड और फंक्शन टू ऐड अ न्यू रो इन अ डेटा फ्रेम इज, अगर आपको डेटा फ्रेम के अंदर न्यू रो ऐड करनी है, फाइन, तो आप कौन सा मेथड या फंक्शन यूज़ करोगे। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही हैं, लॉग फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है और आई लॉग फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है, फाइन, लेकिन यहाँ पे देखो बोथ नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई भी एक फंक्शन आप चूज़ कर लो, यहाँ पे मैंने एक चूज़ कर लिया है लॉग फंक्शन, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ, अगर आपको ग्राफ को सेव करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो ग्राफ को सेव करने के लिए हमारे पास होता है सेव फिग फंक्शन, ठीक है, और फिग फंक्शन के अंदर आप क्या दोगे, आप पाथ दोगे, फाइल पाथ दोगे जहां पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है, फाइन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी इम्पोर्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो इम्पोर्ट पांडास एज क्लास 12, ये तो सही है, ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एज 1 PD, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम रॉन्ग है, आप स्टार्टिंग में कोई भी लेटर दे सकते हो, अंडरस्कोर दे सकते हो, बट नंबर नहीं दे सकते, जब भी आप आइडेंटिफायर नेमिंग करते हो, मतलब कोई भी वेरिएबल नेम लेते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम देते हो, तो आपको क्या कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, राइट, तो रूल्स में सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग में आप क्या ले सकते हो, लेटर ले सकते हो, अंडरस्कोर ले सकते हो, बट आप नंबर नहीं ले सकते, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है।
Fine. Now, while accessing the column from the data frame, we can specify the column name. जब आप क्या करते हो, कॉलम एक्सेस करते हो डेटा फ्रेम से, तो आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हो. इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज. अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो कौन सी एरर रेज होगी, यहाँ पे आपकी की एरर रेज होगी. फाइन, क्योंकि जब आप कॉलम नेम यूज़ करते हो तो आप कॉलम नेम को एज अ की एक्सेस करते हो, और कॉलम नेम की हेल्प से उस वैल्यू को आप एक्सेस, कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करते हो, राइट. तो यहाँ पे आपकी की एरर अकर करेगी अगर आपका कॉलम नेम एग्जिस्ट नहीं करता है. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एन रोज इन द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम की फर्स्ट एन रोज डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो इसके लिए हम करते हैं हेड फंक्शन यूज. ओके, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, हेड. और आप यहाँ पे नंबर ऑफ एन, ये एन क्या है, आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है कि आपको एन रोज को एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है. फाइन, ओके. नाउ नेक्स्ट, पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग. पांडास डेटा फ्रेम को क्रिएट नहीं किया जा सकता. फाइन, ओके. तो आप यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ टपल्स, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, राइट, इस डिक्शनरी ऑफ टपल्स से आप डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते हो. फाइन, ओके. सीरीज से आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, बट डिक्शनरी ऑफ टपल से आप डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते हो. ओके, विच फंक्शन विल बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल इनटू पांडास डेटा फ्रेम. पांडास डेटा फ्रेम में डेटा रीड करने के लिए सीएसवी फाइल से आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो, तो यहाँ पे आप यूज करते हो रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन का. ठीक है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन की हेल्प से आप सीएसवी फाइल से डेटा रीड करके पांडास डेटा फ्रेम में स्टोर करते हो, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पांडास डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट नहीं है, राइट. टी आपका किस लिए यूज होता है, टी आपका ट्रांसपोज के लिए यूज होता है. ओके, ट्रांसपोज में क्या है, आपका कन्वर्ट हो जाता है रोज इंटू कॉलम्स. डेटा फ्रेम की रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में, और कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रोज में. फाइन, ओके. साइज एट्रीब्यूट क्या होता है, साइज एट्रीब्यूट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम. ये आप साइज एट्रीब्यूट बताता है कि डेटा फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं. ओके, और ये कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, नाउ शेप एट्रीब्यूट. शेप एट्रीब्यूट क्या बताता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द डेटा फ्रेम. फाइन, मतलब इसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं. ओके, तो ये शेप एट्रीब्यूट से पता चलता है. तो ये तीनों तो पांडास डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन लेंथ एट्रीब्यूट नहीं है. फाइन, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. सो लेंथ इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज लेंथ इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम. फाइन, ओके. नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड. आपसे पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा, राइट. इंपोर्ट पांडास एस पी डी, यहाँ पे आपने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया. ओके, फिर आपने यहाँ पे सीरीज को क्रिएट किया है फ्रॉम लिस्ट, आपकी सीरीज क्रिएट हो गई एस, राइट. आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी है यहाँ पे, अक्रम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका एंड एरा, राइट. ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सेस कराया है एलिमेंट को सीरीज के. आपने की कौन सी ली है, चारू. ओके, चारू ली है. तो देखो, अक्रम इंडेक्स वैल्यू पे आपका 1 नंबर है, ब्रिजेश पे आपका 2 है, एंड चारू पे आपका क्या है, 3 है. ये क्या है, आपके इंडेक्स वैल्यूज है, राइट. ओके, तो चारू पे आपका 3 है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी, आपकी वैल्यू एक्सेस होगी 3, राइट. तो 3 इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Assuming the given series named stud, which command will be used to print 5 as output? आपको बताना है कि आपके पास series दी गई है stud name से, right? और उसका यहाँ पे देखो index value है अमित, रमेश, महेश, and values क्या है उसकी, 90, 100, 50, 67, 89. Okay? तो ये आपकी series है stud. आपको बताना है कि किस command से इसका result 5 आएगा, output as a 5 आएगा. फाइन, तो यहाँ पे देखो स्टूड डॉट इंडेक्स, स्टूड डॉट लेंथ, स्टूड डॉट वैल्यूज और स्टूड डॉट साइज. तो आपको पता है साइज से, साइज क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं.
फाइन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 191, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, स्टूड डॉट साइज, ठीक है, स्टूड सीरीज का साइज एट्रीब्यूट यूज करोगे तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोशल साइंस टीचर वॉन्ट्स टू यूज अ पांडा सीरीज टू टीच अबाउट इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेट, ओके। सो सोशल साइंस टीचर चाहते हैं पांडा सीरीज की हेल्प से इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेट्स को दिखाना, फाइन। द सीरीज शुड हैव द मॉन्यूमेंट नेम्स, सीरीज में क्या होना चाहिए, मॉन्यूमेंट्स नेम होना चाहिए एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नेम्स क्या बनेंगे, वैल्यू, एंड स्टेट नेम्स एज इंडेक्स, और जो स्टेट्स के नेम है वो क्या बनेंगे, इंडेक्स, फाइन, ओके। विच आर स्टोर्ड इन द गिवन लिस्ट एज शोन इन द कोड, चूज द स्टेटमेंट विच विल क्रिएट द सीरीज। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जिसकी हेल्प से सीरीज क्रिएट होगी, फाइन। सबसे पहले है आपका इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, ओके। आपकी फर्स्ट लिस्ट है मॉन्यूमेंट की जिसमें मॉन्यूमेंट नेम्स दिए गए हैं, देन स्टेट जिसमें स्टेट नेम्स दिए गए हैं, फाइन। अब सीरीज को क्रिएट करने की करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एस इक्वल्स टू डी एफ, तो यहाँ पे डी एफ तो आएगा नहीं, ओके, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द सीरीज, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है पी डी डॉट सीरीज, तो आपने पहले स्टेट ले लिया, स्टेट नहीं लेना बिकॉज हमें वैल्यूज लेनी है एंड देन इंडेक्स वैल्यू लेनी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन आपका थर्ड है एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, सीरीज फंक्शन में आपने मॉन्यूमेंट एज अ वैल्यू पास किया है और इंडेक्स एज अ स्टेट एज अ इंडेक्स पास किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। और देखो ये जो आपका ऑप्शन डी है उसमें भी क्या है, पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे सीरीज फंक्शन में रॉन्ग लिया गया है, एस कैपिटल नहीं है, ओके, तो ये भी रॉन्ग है आपका, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, फाइन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, ओके। ऑब्जर्व द फिगर, आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर ऑब्टेनिंग दिस एज आउटपुट, आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन से ये फिगर आएगी, ठीक है, कौन सी करेक्ट कोडिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी पी एल टी डॉट प्लॉट। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 2 दिया हुआ है वैल्यूज, लेकिन एक्स एक्सिस पे आप देखो यहाँ पे 1 है और ये कहाँ पे फिनिश है, 3 पर फिनिश है, राइट। और ऐसे ही वाई एक्सिस 1 से स्टार्ट हुआ है एंड 5 पर फिनिश है, फाइन, ओके। तो आपका फर्स्ट तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। देन सेकंड इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट पी एल टी डॉट प्लॉट 1 2 3, ठीक है, आपके एक्स पॉइंट सही हैं एंड 4 5 1 1 आपकी मिनिमम है एंड 5 आपका मैक्सिमम है, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। एक बार सी एंड डी भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो 2 2 एंड 3 दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ ये 1 से स्टार्ट है, राइट, तो दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 तो दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे 1 2 4 दिया हुआ है, बट वाई एक्सिस पे 1 2 5 है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, फाइन। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख लेना कि एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स करेक्ट दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 हियर, विच ग्राफ शुड बी यूज्ड वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द हाइट ऑफ द कॉलम correspond to how many values are in that range, okay। तो कौन सा ग्राफ आपको शो करता है रेंज ऑफ वैल्यूज, फाइन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हिस्टोग्राम, फाइन। हिस्टोग्राम शोज वैल्यूज इन रेंज, ओके। प्लॉट क्या है आपका, लाइन ग्राफ है, राइट, ओके, जो डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है, फाइन। और बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगरीज को शो करता है, हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज शो करता है, फाइन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ अ पांडास डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो को आपको क्या करना है, एक्सेस कराना है, फाइन। एज्यूमिंग द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज डी एफ फ्रेंड, ठीक है, डेटा फ्रेम का नेम क्या है, डी एफ फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी एफ फ्रेंड आपने लिया है डेटा फ्रेम नेम एंड दिस इज नॉट करेक्ट, फाइन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो, अच्छा ये ध्यान रखो फर्स्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। तो df friend डॉट लॉग फंक्शन, तो आप लॉग फंक्शन इसका यूज़ करोगे 0 का, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर।
dfriend.log और log में आपने 0 पास किया बिकॉज दिस इज़ द इंडेक्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट रो. ठीक है, ये डेटा फ्रेम के फर्स्ट रो की क्या है, इंडेक्स वैल्यू है. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम एनिमल. यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है एनिमल नेम से. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड. आपको जो ये कमांड दी हुई है उसका आउटपुट बताना है. प्रिंट एनिमल, ठीक है, ये आपका क्या है, सीरीज का नेम है एनिमल. अब देखो यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है, कॉलन दिया है. आपकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा. राइट, एंड तक चला गया. अब स्टेप वैल्यू क्या दिया, माइनस थ्री दी है. माइनस थ्री दी है तो ये दो दो वैल्यू स्किप करके ऊपर जाएगा. फाइन, तो सबसे पहले तो आपका वुल्फ प्रिंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक गया. ठीक है, नीचे तक गया. अभी नीचे तक तो चला गया, अब ये बैक से वैल्यूज को प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये क्या चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा. जब आप माइनस वन करते हो, तो अगर माइनस वन होता तो कैसे करता, पहले वुल्फ आता, देन टाइगर, एलिफेंट, बियर, लायन आता. और अगर माइनस टू होता तो पहले वुल्फ आता, टाइगर स्किप हो जाता, एलिफेंट आता, बियर स्किप हो जाता, लायन आता. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री दिया हुआ है. ठीक है, तो दो दो वैल्यू स्किप होंगी, पहले वुल्फ आएगा, टाइगर, एलिफेंट स्किप हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बियर. राइट, तो ये दो वैल्यू डिस्प्ले करेंगी. तो ये दो वैल्यू हमें देखनी है कि कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, पहले वुल्फ एंड देन बियर. तो यहाँ पे है हमारे पास वुल्फ एंड बियर, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी. फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The command used to give a heading to a graph is, graph को heading करने के लिए आप कौन सी command का use करते हो. plt.show से क्या होता है, आपका graph display करता है. plt.plot से आपका line plot create होता है. x label से आप x axis पे label देते हो, name देते हो. तो यहाँ पे हमारा क्या है, graph को heading देनी है, तो उसके लिए आपका option है plt.title. title function की help से आप graph को heading देते हो. Fine. Which of the following command will show the last three rows from a panda series name np? Right? तो यहाँ पे क्या होगा, last three rows show करनी है आपको panda series की. तो last rows को करने के लिए, मतलब show करने के लिए आप tail function का use करते हो, तो आपका np.tail function यहाँ पे use होगा. Fine. Now here we have assertion. To use the pandas library in a python program, one must import it. pandas library को python program में use करने के लिए उसको import किया जाता है program में. तो ये आपका correct है. ठीक है, reasoning क्या दी हुई है यहाँ पे, the only alias name that can be used with the pandas library is pd. एक सिर्फ आप pd as a alias name ही use कर सकते हो pandas library के साथ. तो ये correct नहीं है, आप कोई भी alias name, आप किसी भी library के लिए कोई भी alias name ले सकते हो. Fine, तो यहाँ पे आपका कौन सा option true है, आपका option 3 true है कि a is true, आपका assertion तो true है, but आपका reasoning क्या है, false है. Fine, then we have question number 32. Assertion, data frame has both row and column index. Data frame में क्या होता है, column index भी होते हैं और row index भी होते हैं. ठीक है, column label भी होते हैं और row label भी होते हैं. अब इसका reasoning क्या है, a data frame is a two-dimensional labeled data structure. Data frame क्या है, एक two-dimensional data structure है, labeled data structure है, like a table of MySQL, जैसे MySQL की table होती है. Fine, तो यहाँ पे दोनों ही correct हैं. और यहाँ पे आपका option A correct है, both A and R are true. दोनों assertion और reasoning दोनों true हैं, और R is the correct explanation for A. और R कहीं ना कहीं A को justify भी कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये two-dimensional है. जैसे वो कह रहा है इसके पास column भी है, row भी है, और labeled data. ठीक है, labeled data तो यहाँ पे बता रहा है कि column index है, row index है. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये टू डायमेंशनल है, मीन्स इसके पास रो भी है, कॉलम भी है, और इसका डेटा लेबल्ड है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग दी गई है. तो राइट, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. फाइन, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33. स्टेटमेंट ए, टू मेक अ हिस्टोग्राम विद मैट प्लॉट लिब वी कैन यूज द plt.hist फंक्शन. हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हो, आप plt.hist फंक्शन का यूज़ करते हो. फाइन,
अब यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट द हिस्टोग्राम. बिन पैरामीटर कंपल्सरी है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे देखो जो assertion है, ठीक है, जो स्टेटमेंट वन है वो तो करेक्ट है. आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हो हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए. लेकिन जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी दी हुई है कि बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम, दिस इज़ नॉट करेक्ट. क्योंकि आप विदाउट गिविंग द बिन पैरामीटर, आप पैरामीटर बिना दिए भी हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हो, फाइन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट, फाइन. अब देखो यहाँ पे, इफ़ यू डोंट एंटर एनी बिन नंबर, अगर आप बिन नंबर्स या बिन पैरामीटर पास नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही बिन्स क्रिएट हो जाएंगे, ओके. जो भी आप उसके अंदर, जो भी, जैसे मान लो आप हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कुछ भी वैल्यू पास कर रहे हो, कोई भी सीक्वेंस पास कर रहे हो, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बिन्स क्रिएट हो जाएंगे, फाइन, ओके. तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी क्या है, इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 34, डेटा फ्रेम एंड इट्स साइज इज म्यूटेबल इन पांडास, ओके. तो ये क्या कह रहा है, डेटा फ्रेम और उसका साइज दोनों आप चेंज कर सकते हो पांडास के अंदर. अब रीजनिंग क्या है, डेटा इन सीरीज इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल कॉलम. अब सीरीज के अंदर डेटा, जो डेटा होता है वो एक सिंगल कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है. अब देखो assertion और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजनिंग है वो assertion को जस्टिफाई नहीं करी, वो अलग है, डिफरेंट है, फाइन. स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, assertion भी और रीजनिंग भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही है, फाइन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ट्रू है, जो करेक्ट है, वो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, फाइन. डेटा फ्रेम क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसका साइज आप चेंज कर सकते हो. सीरीज क्या होता है, इसके अंदर एक कॉलम होता है, एक कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज होती है, दोनों करेक्ट हैं, बट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फाइन, ओके. assertion इज पाइप्लॉट इज अ सब लाइब्रेरी ऑफ मैटप्लॉटलिब. पाइप्लॉट मैटप्लॉटलिब की एक सब लाइब्रेरी है जो ग्राफ क्रिएट करने में हेल्प करती है, फाइन. तो ये आपका जो assertion है वो क्या है, करेक्ट है. देन वी हैव द रीजन, लाइन इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं लाइन ग्राफ को क्रिएट करने के लिए, फाइन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू. assertion भी आपका ट्रू है और आपका रीजन भी ट्रू है, बट ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते. तो यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप सिंपल इस दे दोगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, ओके. ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.